आलसी कौवे की कहानी। एक था कौवा और एक थी चिड़िया। एक पेड़ पर कौवा और एक पेड़ पर चिड़िया, दोनों आमने सामने रहते थे। हर दिन एक दूसरे को सलाम नमस्ते कहते थे। चिड़िया थी बहुत होशियार और कौवा आलसी और बेवकूफ। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। चिड़िया बोली, अगर बादल बरसने लगे तो हर दिन मुझे खाना गिन गिन कर खाना पड़ेगा। चिड़िया घबरा गई और कौवे के पास चल पड़ी। चिड़िया कौवे से बोली, चलो भाई, तुम और मैं खाना ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा हर दिन खाएंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। चिड़िया को सुनकर कौवे का मन तोतला सा गया और कौवा बोला, का का, तुम चलो आता मैं, ताजी रोटी खाता मैं, ठंडा पानी पीता मैं, का का। कौवे को सुनकर चिड़िया समझ गई कि कौवा आएगा नहीं। चिड़िया खुद घूम घूम कर अपना खाना ले आई। फिर आकर कौवे भाई से बोली, कौवे भाई, अपना खाना ला लो, बादल बरसने वाले हैं। का का, तुम चलो आता मैं, ताजी रोटी खाता मैं, ठंडा पानी पीता मैं, का का। फिर शुरू हुई बारिश, दो दिन और दो रातों तक। भूख से कौवा हुआ बेहाल, बारिश में खाने की तलाश में मिला ना कुछ। कौवा चिड़िया के पास गया और पूछा, चिड़िया रानी, भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। चिड़िया मीठे बोल में बोली, ची ची ची, ताजी रोटी खाती मैं, ठंडा पानी पीती मैं, ची ची ची। इस कहानी की नैतिक है, आलस्य से नुकसान ही होता है।